पानीपत में दर्दनाक सड़क हादसे, 10वीं कक्षा के छात्र ऋषि की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल 10वीं कक्षा के दो छात्र स्कूटी पर सवार होकर स्कूल से लौट रहे थे, तभी अचानक सड़क पर खड़ी कार में बैठे चालक ने कार की खिड़की खोल दी, जिससे स्कूटी टकरा गई और स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण वह रोड पर गिर गए। पीछे से आ रही बस ने अपनी चपेट में ले लिया। जांच अधिकारी हिम्मत ने जानकारी देते हुए बताया कि पानीपत जीटी रोड पर दमकल विभाग के सामने कार से टकरा कर एक्टिवा सवार 10वीं के दो छात्र सड़क पर गिर गए। इसी बीच पीछे से आ रही प्राइवेट बस का पहिया एक छात्र पर चढ़ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा छात्र घायल हो गया। दोनों को सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां पर घायल छात्र का इलाज चल रहा है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है और पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। वहीं जांच अधिकारी ने बताया, बस और कार के नंबर हमने नोट कर लिए हैं, लेकिन दोनों के चालक मौके से फरार हैं। पुलिस दोनों की तलाश करने में जुटी है। आपको बता दें कि भावना चौक निवासी जशनदीप सिंह ने और उसका दोस्त तहसील कैंप निवासी ऋषि मॉडल टाउन स्थित एक निजी स्कूल में 10 कक्षा में पढ़ते हैं। दोनों छात्र हर रोज की तरह एक्टिवा पर सवार होकर मंगलवार सुबह 7 बजे घर से स्कूल के लिए निकले थे। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई थी। ऋषि के पिता वेद प्रकाश वल्लभगढ़ स्थित मैट्रेस सफारी कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत है। ऋषि 2 भाइयों में छोटा था, उसके बड़े भाई ईशु चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे हैं। 11:40 AM पर सूचना मिली थी, लाल बत्ती के पास फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस है वहाँ पर 2 स्कूल के बच्चे जो स्कूटी पे जा रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया है। एक गाड़ी खड़ी थी आगे, गाड़ी वाले ने खिड़की खोल दी और वो साइड में जाने लगे, जो पीछे से बस आ रही थी तेज़ रफ्तारी से और बस की बच्चे के टक्कर लगी। जो ऋषि है लड़का स्टूडेंट है वो एक्सपायर हो गया। एक बच्चा जो दूसरा है जसनदीप, उसको भी कुछ चोटें लगी हैं। कार्रवाई जारी है। ASI अमर सिंह, सिटी थाना पानीपत। सर, बस चालक फरार हो गया या पकड़ा? बस का नंबर और गाड़ियों का नंबर मिल गया है और बस चालक मौका से फरार हो गया था। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।